गुड आफ्टरनून गाइस, अभी बज रहे दोपहर के 1 और अभी हम लोग निकल रहे हैं अरुणाचल के लिए, जो कि अभी फिलहाल तो मैं ढेकाजुली में हूँ। तो मैं खुदा उनके फ्रेंड्स निकल रहे हैं अरुणाचल के लिए, जो यहाँ पे भी एक अरुणाचल मतलब पड़ता है, तो वहाँ जगह तो वो जगह का नाम है बालीमू। तो यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा? 200 किलोमीटर के आसपास होगा। तो वहीं जाके हम मिलते हैं और रास्ते में कभी रुकेंगे तो ब्रेक लेंगे तो वहाँ पे भी ब्लॉक करेंगे, तो बने रहिए ब्लॉक में। तो गाइस अब एक सीन हो गया, कुरुदा का दोस्त लोग जो भैया लोग हैं वो लोग हेलमेट डालना भूल गया और हेलमेट डालने के लिए वापस पीछे गए, आगे आगे हेलमेट लेके। कसम से बालीमू जाने का रास्ते में कितना अच्छा सा लोकेशन पड़ रहा है, कितना अच्छा अच्छा रोड, इतना अच्छा है टर्निंग, इतना अच्छा है। वो देखो पीछे देखो पहाड़, इस पहाड़ का हम लोग ये पहाड़ का वो पर जाएगा, वो पीछे वाला बड़ा पहाड़ में, वो जो पहाड़ के पीछे जो पहाड़ है वो बड़ा पहाड़ दिख रहा है, जो धुंधला धुंधला दिख रहा है, जो आधा ब्लर होके रखा हुआ है, ये मतलब नेचुरल लेंस ब्लर हो गया। उसका ऊपर तक जाएगा सचिव, उसका ऊपर जाने वाला हम लोग, बढ़िया है। एक्चुअली मैं सोच रही था इतना दूर जाने वाले हम लोग, मतलब ये सडन प्लान था, मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा था 12, मैं 12 बजे चला, मैंने मतलब क्लास चला मेरा, तो हमें जाना पड़ा पुलिस स्टेशन भैया कुछ काम से, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। वो काम ख़त्म होते होते भैया के दोस्त का फ़ोन आ गया कि हाँ ऐसा प्लान है अभी निकलना है, तो फटाफट वहीं से हम लोग यहाँ पे आने के लिए निकल गए। अभी तक पहुँचे नहीं है लोकेशन पे, थोड़ी देर पहुँच जाएंगे। लाइट नहीं है इसलिए मतलब रोशनी अच्छा से नहीं आ रहा है इधर, क्योंकि धूप उस साइड पे है। पता नहीं कितने बजे तक पहुँचेंगे हम लोग, पर एक चीज़ है कि जाके मज़ा आने वाला है। और लोकेशन देख के मतलब जैसा सुना है मैं लोकेशन के बारे में, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो स्लो हो गया, अभी कसम से मतलब 55-60 तक गया था न्यूट्रल में, अभी जाएगा देखा, अभी जाएगा नहीं जाएगा। तो हम अभी भैरव कुंड में, ये जगह बहुत फेमस है, गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कसम से बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पानी है, लोग चिल कर रहे हैं बियर वे पी के। एंड रास्ते में ना मुझे एक मतलब वो जो बोर्ड बोर्ड लगा रहता है ना, तो उसमें एक कोट लिखा हुआ था, वी कट माउंटेन बट नॉट हार्ट। इसका मतलब मालूम ही होगा, इतना अच्छा लाइन लिखा हुआ था यहाँ पे, वी कट माउंटेन बट नॉट हार्ट, मतलब वो लोग पहाड़ काटते हैं पर किसी का चूतिया सॉरी किसी का काटते नहीं है, समझ गए होंगे। वहाँ वो भैया छोड़ नहीं बोलूँगा, वहाँ कोई नहा रहा है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ बाइक है, ऐसा सन्नाटा और भरा जगह मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है। बीच में मैंने मतलब बहुत कुछ मतलब अभी मैक्सिमम 1-1.5 घंटा हमने कई एक ढाबे में बिताया, हमने फ़न किया वहाँ पे, खाया हुआ है हमने खाना वाना, वो सब रिकॉर्ड नहीं किया कि बहुत सारे मतलब पर्सनल टॉक थे, जो कि पॉलिटिकल भी टॉक थे कुछ, तो मैं नहीं चाहता कि वो मैं रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने इन्जॉय किया बस। अब शायद देखते हैं भले हो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो मैं शूट करूँगा वो सब और डाल भी दूँगा वो भी। एंड दिस साइड इज कोई स्पॉन्सर्ड बाय नो वन, लिटरली नो वन, कोई स्पॉन्सर क्यों करेगा हमें, हमने ही अपना जो भी है खर्चा करके आया है जो भी। इस नज़ारे को देखो, कहाँ मिलेगा ये नज़ारा, सिर्फ यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अब काम है हमारा बस यहाँ बैठना और चिल करना है। एक बार I'm going to go to the hospital.
सनसेट का मजा है। टाइम हो रहा है, धीरे धीरे वो वहाँ घुस जाएगा, पर पता नहीं सनसेट होने से पहले हम रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। रिफ्लेक्शन देखो क्या मस्त रिफ्लेक्शन आ रहा है। सो फाइनली वी आर डन, बहुत टाइम बैठ लिया इस नदी के किनारे, समझो अलग नेक्स्ट लेवल का स्वाद आ गया। और भैया अस्त हो चुका है, हमें मस्त हो चुके हैं, अब हम भी निकलेंगे घर के लिए। रास्ते में कहीं रुके तो चांस कम है रुकने का, कहीं पे रुके तो देखते हैं कुछ बनेगा तो बनेगा, वन एंड कर देंगे, बने रहिए। और यहाँ चल रहा है चिरोदिनी, मुझे अभी एक चीज मालूम चला है, मुझे वो जो लाइट दिख रहा है ना, सब लोग को लाइट दिख रहा है, वो एक्चुअली भूटान है। वहाँ पे शेट इतना टाइम वहाँ पे यहाँ पे रुक गया, पता नहीं था कि वो एरिया भूटान का है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना ही जूम होगा। ये लाइट वाला जो वो बीच पर जो लाइट चल रहा है वो एरिया भूटान का भी मालूम चला मुझे। तो आज 11 और आज हम जा रहे हैं घर, सुबह निकल रहे थे 8 बजे ठेकाजुली से, अभी डिमाऊ पेट्रोल पंप पे है। मैं लगभग आज 271 किलोमीटर चला लिया, ये मेरे लाइफ का मतलब आज तक का कंटिन्यू पहला इतना मैंने आज तक चलाया, मतलब 271 किलोमीटर, आज से पहले इतना मैंने कंटिन्यू नहीं चलाया, मतलब सुबह 8 बजे से अभी 5:30 बजे तक। बस ये जो मतलब जो व्लॉग अभी आपने देखा वो मतलब कुछ दिन पहले का था, 2 दिन पहले का था, और मैं ये आज 11 को घर जा रहा हूँ। तेजपुर जाने का प्लान था पर कुछ वो पॉलिटिकल रिलीज की वजह से नहीं जा पाए, पर उसके बदले हम लोग कहीं और चले गए, जो कि देख लिया अपने व्लॉग पे। तो तब और अब और व्लॉग करने का कुछ हिम्मत है नहीं, कुछ बात करने का, अब सीधा घर जाएंगे, अपना आराम करेंगे और डेली लाइफ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। घर पहुंचने में और कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा, और कुछ क्षमता तो है नहीं ब्लॉग करने का। तो इस ब्लॉग को करते हैं यही ख़त्म, तेजपुर का कुछ सीन हुआ नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम कभी तेजपुर जाएंगे तो होगा ब्लॉग, अगले ब्लॉग तक बने रहिए, तब तक के लिए बाय।